मिस्टर जी भी आ गए हैं दुकान में देव को बैठा के धान साधने के लिए। कामदार हुए ये, उठा दो, खुद ही उठा लेते हैं। देखो ये सब कट्ठे भर दिए, ये ले जाने लग गए हैं। यहाँ पर भी हैं कट्ठे, ये सब बता के अब धान का काम आज हो गया है कंप्लीट। तो गाइस धान का काम भी हो गया है कंप्लीट। ये सारे धान मिस्टर जी ने पहुँचा दिए, नीचे ड्रम में डाल दिए हैं ये। तो चलते हैं अब नीचे, इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग। हेलो हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आप सभी का स्वागत है एक नए दिन के साथ मेरे आज के न्यू ब्लॉग में, मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी मोनू बोरा ब्लॉग में। तो गाइस ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है आज सुबह के 8:30 बजे से, 8:30 हो गया है। आज सुबह से ही हम धान का काम ही कर रहे थे, 7 बजे से कर रहे थे, 8:30 हो गया, फाइनली कंप्लीट हो गया है। धान बता बुतू के डाल दिए हैं ड्रम में, तो आज हमारा धान का काम फाइनली कंप्लीट हो गया है। और आज है नवरात्रि गाइस, तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज तो बहुत लोगों का फास्ट भी होगा, और आज हम पुण्यागिरी मंदिर से तो कलश यात्रा भी जा रही है। आज से वहाँ पुण्यागिरी मंदिर में राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, तो सभी लोग राम कथा का रसपान करने पुण्यागिरी मंदिर में ज़रूर जाएं। और गाइस आज से नवरात्रि स्टार्ट है, आज माँ शैलपुत्री माता का व्रत है सभी का, जिसने भी रखा होगा, मतलब आज से नवरात्रि स्टार्ट है। तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय नव दुर्गे मैया की जय हो, जय हो माँ शैलपुत्री मैया की जय। नव दुर्गा माता सभी की मनोकामना पूरी करें। आज हमारे बानुसी गांव से भी जा रहे हैं कलश यात्रा में, बहुत बहुत मतलब बहुत कह रहे हो कई सदस्य, देखो कौन कौन जाते हैं। तो अभी तक तो हमारा धान का काम ही हो रहा था, और अंदर का काम अभी कुछ नहीं हो रखा है, अब करते हैं और काम। बोने की भी हो गई है तैयारी, अब भैया आ गए हैं, जोतने लग गए हैं, ये बगुले इतने आ रखे हैं यहाँ पे। आज हमारा अभी हो रहा है खाना, और सभी लोगों ने खा भी दिया है। मेरा तो आज काम ही हो रहा था, बरसिम बोने के लिए घास काटा, खेत खाली किया, तो ट्रैक्टर अद्दे वाले भैया खेत जोत के चले गए हैं, अब मेड़ डालने आएंगे शायद। और पराल का काम ही हो रहा था, थोड़ा सा पराल थोड़ा सा था, तो उसी को लुट्टे में अच्छे से रखा, अच्छे से बनाया, तो सभी लोगों ने खा लिया, मैं खा रही हूँ अकेले। सभी लोग खा के चले गए इधर उधर, कोई दुकान, कोई बच्चे खेल रहे हैं, कोई कहीं, तो मैं खा रही हूँ। मैंने बनाया भात दाल, और साथ में है रायता और मूली का सलाद, तो खाते हैं खाना। अभी हो गया ट्यूशन का टाइम, आज तो 2 बजे से पढ़ा रही ना दीदी, क्यों? और साहिल को तो आज गैस आया है, बुखार रही सुबह से, आज हुआ ही था टॉन्सिल हुए, बोला डॉक्टर पता नहीं, मेरे को तो अंदाजा ही नहीं आता है। अभी गया था ये हॉस्पिटल, और इतनी दवाई लेके आया है, ये एक ये है, एक ये है, और एक ये। और गोली भी तो दी थी उनने, और गोली वहीं खाई, और खाते उल्टी भी कर दी, क्यों? अरे पापा ने बोला कि चबा के है, चबा के खाने में तो एक तो पेप्सी लगातार हो रही है ना आजकल ना, तभी तो हो रहा होगा फिर बुखार। उल्टी दवाई गोली अभी खाएगा थोड़ी देर बाद, इतनी दवाई दे रखी है तीन, उनने गोली भी दी थी और गोली पापा ने रखी है। अब पिएगा पेप्सी? हाँ पेप्सी से ही तो हो रहे हैं सब। अभी मैं कुछ खट्टा खाकर आऊंगा। अच्छा साहिल नहलाने लग गया चिंटू को, ये चमका दे आज इसको, क्यों? हाँ साहिल, ए साहिल चमका देगा, मेरे फोन में मत फेंकना पानी, अभी नहला के कितना पतला लग रहा है ना ये। मजे आ रहे इसकी गर्मी में, ए यहाँ पहुँच रहा है पानी, ये डर रहा है, ये डर के रहा है भी नहाने में। हाँ देखा है, शकल देखो इसकी, मजे आए नहाने में गर्मी में,
ऐसे क्यों बना रहे शकल? बड़ी मुश्किल बड़ी मुश्किल। चल हो गया बाद दे, बाद दे हो गया, गर्मी में राहत मिल गई इसको। जा दिया काम, अब मैं बनाने लगी हूँ गैस चाय। चाय टाइम हो गया हमारा, 4 बज चुका है। और मिस्टर जी के लिए भी ले जाती हूँ दुकान में, और मम्मी को दे देती हूँ वहाँ पे चाय, गुड़ वाली चाय। आज तो थोड़ा ठंडा मौसम हो गया तो गुड़ वाली चाय अच्छी लग रही है ना, तो पीते हैं चाय। मम्मी को देती हूँ, मम्मी को दे दिया चाय, और मैं जाने लग गई हूँ दुकान में पानी की बोतल और चाय ले जाके। फिर इसमें पानी की बोतल भी रख लेती हूँ। दिन में आजकल मन कर रहा है, वैसे तो नहीं कर रहा है, दिन में कभी धूप से आओ तब करता है मन। तो चलते हैं दुकान की ओर। गैस में पहुंच गई हूँ दुकान में, मिस्टर जी को दे दी है चाय, और अपने लिए इस गिलास में डाल लिया ये, साथ में है बिस्कुट और नमकीन ना, उनको बिस्कुट पसंद है चाय के साथ क्यों। और गैस मैं आपसे कब से एक बात बोलना चाह रही थी, मैं भूल जाती हूँ, तो आज बोलती हूँ कि आज मैं आपको एक ख़ास बात बताना चाहती हूँ। क्या है वो ख़ास बात, आप बताना चाहोगे? नहीं, वो ख़ास बात है गाइस की जो हमारी दुकान के बगल में ये दुकान है, ये किराए के लिए अगर कोई आना चाहे तो संपर्क कर सकते हैं आप। किराए में अगर कोई यहाँ पर दुकान डालना चाहे तो ये हमारी दुकान के जस्ट बगल में ही है ये वाली दुकान, तो संपर्क करें। अगर किसी को यहाँ पर दुकान किसी भी चीज़ की, परचून की, सब्जी की, किसी भी चीज़ की खोलनी हो तो संपर्क कर सकते हैं। क्यों यहाँ पर सब्जी बोने की तैयारी भी हो गई है, तो यहाँ पर खोद भी दिया है, घास हास सब उचेड़ अचेड़ी, मिर्ची भी लगने लग गई है यहाँ। देखिए ये गोल वाली मिर्ची है, ये छोटी छोटी गोल वाली मिर्ची लग रखी है इसमें, और उसमें है दूसरी, मैं आपको पास जाके दिखाती हूँ। ये देखिए भैया खेत जोत के भी चले गए हैं बरसिम बोने के लिए। अब इसमें डालेंगे मेड़, फिर लगाएंगे पानी, फिर बोएंगे बरसिम। ये बराबर बना दिया, अच्छा बना दिया खेत। और मैं जाने लग गई हूँ गैस आज भी पराल सारने के लिए। 2 लुट्टे तो हमारे बन गए हैं, ये थोड़ा सा और बनाते हैं, छोटा छोटा थोड़ा लाते हैं, 2-3 भारी यहीं पास में है, तो चलते हैं। अभी और भी आने वाले हैं, तब तक मैं चलती हूँ। अब खेत कैसे दिख रहे हैं गाइस, खाली खाली, पहले हरियाली हर जगह हरे हरे दिखते थे, अब पीछे ये थोड़े हरे, ये मूड़े चमक रहे हैं, थोड़े दिन बाद तो और ही सूखे सूखे दिखेंगे खेत, पहले अच्छे दिखते थे हरियाली। तो चलते हैं गाइस, अब ले जाने लग गए हम पराल की भारी। ये देखिए यहाँ पर है जेठानी, इनकी उठा देती हूँ। ये कैसी हो रही है हमारी भारी, आ लास्ट है गाइस पराल का काम, कल से आपको ब्लॉग में देखने को नहीं मिलेगा पराल ना धान, परेशान हो गए हम, काम करते करते थक गए अब। तो चलते हैं अब घर को, रात भी होने वाली है, ये अभी ले जाऊंगी। तो दगड़ियों खाना पीना भी हो गया है, और बर्तन भी धो दिए, किचन का काम तो हो गया है फाइनली कंप्लीट। मिस्टर जी तो वॉकिंग करने भी चले गए हैं, और बर्तन हमेशा मैं शाम को ही धोती हूँ गाइस, क्योंकि सुबह नहीं रखना चाहिए, शाम को ही धोना चाहिए हमेशा बर्तन, सुबह तक रखने से दल दल लगना लागच कुनान पुरान घावा छी, और बैक्टीरिया भी आ जाते हैं वैसे रख के सिंक में, इसलिए मैं हमेशा शाम को ही धोती हूँ बर्तन। और यहाँ देव का देखा हो रहा है टीवी, ये मैच पुराना मैच आ रहा है, कल का आ रहा है इंडिया पाकिस्तान वाला है ना, पाकिस्तान है, दूसरा ही है। अच्छा दूसरा ही है, नींद आ रही क्यों, और बोलो तो सो जाते जल्दी, लेट स्कूल हो गया। अच्छा गाइस इन लोगों का, अब बच्चों का कल से हो गया लेट स्कूल, पहले 7:30 में बस आती थी, अब आएगी इनकी 8:30 बजे बस, तो मजे आए हैं सुबह लेट उठे गए, अब थोड़ा काम भी हमारा लेट होगा, पहले बस जल्दी आती थी तो टाइम से काम भी हो जाता, नाश्ता पानी सब टाइम से 7:30 बजे तक हम लोग का हो जाता था, अब लेट स्कूल है तो अब ऐसे ही धीरे धीरे लगे रहेंगे कि लेट स्कूल है, और बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो काम फटाफट हो भी जाता है, क्योंकि स्कूल जल्दी होता है तो टाइम से खाना पीना हम लोग बना लेते हैं नाश्ता, तब
अब बोल बड़े इससे ढील डाल धीरे धीरे 8:30 बजे तक जाएंगे, फिर वही लेट ही होगा। और काम भी हमारा आज फाइनल हो गया, धान भी रख दिए, पराल का काम भी हो गया फाइनली कंप्लीट। बिंदी कहाँ पहुँची है, कब से काम ये पराल धान का करते करते कितने दिन हो गए हमको, 1 हफ्ता हो गया होगा। इसको देखने देते हैं टीवी। और साहिल तो चले गया है सोने के लिए, बुखार अभी थोड़ा हल्का हुआ है उसका। दिन में गए थे हॉस्पिटल, दवाई लाए थे, डॉक्टर बोले थे टॉन्सिल भी उगा करके। ये देखिए यहाँ पर आज यहीं सो रहा है। अच्छा आज यहीं सोता हूँ गया है, अभी तो थोड़ा ठीक है बुखार, अभी दवाई खा रहा है। और दिन तो हम अगर सोता है, आज बोल रहा है आपके साथ ही सोता हूँ करके। आज मन आइए मम्मी के साथ सोने की क्यों, कल स्कूल का क्या प्रोग्राम, छुट्टी छुट्टी बुखार सही हो जाएगा तब भी छुट्टी। अच्छा आजकल ये वायरल बुखार बहुत चल रहा है गाइस, सर्दी जुखाम बुखार ऐसे चल रहा है आजकल। दवाई खाएगा अभी, गद्दा नीचे हो रखा है क्या ये, ऐसे हाल कर रखे इसने यहाँ पे। तो गड़ियो आज की वीडियो का यहीं पे करती हूँ एंड। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करें। अब आपसे मिलते हैं एक नए दिन के साथ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, जय भारत, जय उत्तराखंड, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा सभी लोग खुश रहें, मुस्कुराते रहें।